तो नमस्कार दोस्तों, एक शॉर्ट कवरिंग के चलते मार्केट में तेजी आई। अब ये तेजी क्या कंटिन्यू रहेगी या अब सब कुछ अच्छा हो गया है? क्योंकि देखिए बहुत अच्छी रैली हुई, 158 पॉइंट, एक समय 200 पॉइंट का रैली था। अब क्या सब कुछ अच्छा हो गया या अब फिर से गिरावट होगी, इन सारे बिंदुओं पे डिस्कस करेंगे। इनसे पहले अगर आप वीडियो देख रहे हैं, लाइक से सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। ये देखिए श्रीराम फाइनेंस 5% बढ़ा, अदानी एंटरप्राइजेज, आईसीआईसीआई बैंक के चलते तेजी था बैंक में, क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक का रिजल्ट काफी अच्छा हुआ। जेएसडब्ल्यू स्टील, विप्रो, ये सारे दिग्गज थे जो मार्केट को ऊपर ले जा रहे थे। प्रॉफिट बुकिंग कोल इंडिया में, बजाज ऑटो में, एक्सिस बैंक में, हीरो मोटोकॉर्प में, बीएल में हो रहा था, जो मार्केट को नीचे ले आए लास्ट आवर में। ये 1-4% तक का गिरावट यहाँ था। अब जो मार्केट में तेजी आई है, क्या ये सस्टेन करेगी या फिर मार्केट में गिरावट होगी? क्योंकि देखिए 24,400 जो इंपॉर्टेंट लेवल है वहां पे सस्टेन नहीं कर पाए। 480 तक गया था जरूर मार्केट, लेकिन वहां से प्रॉफिट बुकिंग हो गई और फिर 330 पे आके क्लोजिंग हुआ, तो काफी इंपॉर्टेंट लेवल पे क्लोजिंग हुआ है। अब वीकली बेसिस पे देखेंगे, ग्रीन कैंडल बना जरूर है, क्या ये सस्टेन करेगा ये देखने वाली बात होगी। ग्रीन अभी हफ्ते का स्टार्ट कल हुआ था। अब यहाँ पे अब जो कैंडल बना है डेली बेसिस पे, ये इनसाइड कैंडल बना है। अब देखिए इनसाइड कैंडल क्यों बना है, ना तो प्रीवियस कैंडल के जो शुक्रवार का कैंडल था उस कैंडल का ना तो हाई को तोड़ पाया ना तो लो को तोड़ पाया। जब इनसाइड कैंडल बनता है तब एक ही रणनीति काम होती है, जो इनसाइड कैंडल का हाई और इनसाइड कैंडल का लो को मार्क कर लेना है, फिर जिस दिशा में मार्केट को मूव करेगा उस दिशा पे ट्रेड लेना, अच्छा रिसीवर्ड बैठेगा। अब इनसाइड कैंडल का अगर हाई को तोड़ देता है यानी ऊपर की ओर तोड़ देगा तो अच्छा तेजी देखने को मिल सकता है, यानी फिर 24,400 के ऊपर अगर निकल गया, ये जो शुक्रवार का कैंडल था उस कैंडल के अगर ऊपर निकल गया, ये था 24,450, और 24,450 के ऊपर अगर निकला तभी मार्केट में एक अच्छी तेजी होगी। अदरवाइज अगर शुक्रवार के कैंडल को लो को तोड़ देता है, और ये जो लो था ये था 24,200 के आसपास, 24,180 को अगर तोड़ देता है तो फिर मार्केट में कोहराम आ सकता है, मार्केट में गिरावट हो सकती है। तो ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, एक कैंडल ने अभी भी मार्केट में क्लैरिटी नहीं आया है कि मार्केट में शॉर्ट कवरिंग आ गई है या यहाँ से बाउंस बैक मार्केट हो गया है, टॉप बॉटम बन चुका है, ये अभी कन्फर्म नहीं हुआ है। आते हैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, चीजें क्या है आइए समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में क्लियरली दिख रहा है किस तरह से मार्केट में लास्ट आवर में गिरावट हुई है, और ये गिरावट देखिए 24,340 के आसपास लाके मार्केट को खड़ा किया है। अब ये जो कैंडल है यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज करते हैं, तो यहाँ पे छोटे छोटे लेवल्स कुछ समझ में आएंगे कि क्या करना है मार्केट में। अब यहाँ पे आप क्लियरली दिख रहा होगा 24,340 का जो लेवल है, इम्पोर्टेंट लेवल है जहाँ पे खड़ा है। अब ये जो लेवल है यहाँ पे देखिए, एक तो यहाँ पे एक चीज है कि यहाँ कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस ज्यादा दिख नहीं रहा है कहीं पे भी, इसलिए ये लेवल उतना इम्पोर्टेंट है नहीं। इम्पोर्टेंट है 24,400, तो 24 जो यहाँ पे 340 है इसके ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बनाती है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, और अगर 24,000 को पार कर जाती है और वहां सस्टेन करने लगती है, तब एक तेजी देखने को मिल सकती है ऊपर की ओर। फिर 24,500 हमें देखने को इजीली मिल सकता है, शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, 24,600 तक भी जा सकता है मार्केट। लेकिन जैसा कि बताएं यहाँ पे कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस है नहीं, इम्पोर्टेंट लेवल पे खड़ा नहीं है उस तरह का लेवल, इसलिए यहाँ अगर नेगेटिव कैंडल बनती है, नेगेटिव कैंडल का लो टूटता है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, तो गिरावट बढ़ सकती है, और फिर ये गिरावट नीचे की ओर 24,200 और उसके नीचे 24,100 तक जा सकती है, और अगर पैनिक सेलिंग आएगा तो इससे ज्यादा भी गिरावट बढ़ सकती है। इन केस ऑफ 75 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन हो जाती है तो आधे घंटे कैंडल के हाई आधे घंटे के लो को मार्क कर लेना है, फिर जिस दिशा में मार्केट मूव करेगा उस दिशा पे ट्रेड लेना है, अच्छा रिसीवर्ड बैठ सकता है। बैंक निफ्टी पे आते हैं, बैंक निफ्टी में भी सेम स्टोरी है, वहां पर भी शॉर्ट कवरिंग आया, लेकिन ये शॉर्ट कवरिंग क्या टिकेगा? वीकली बेसिस पे यहाँ पर भी ग्रीन कैंडल बना है, अभी सोमवार था और इसका मंथ का स्टार्ट था। अब यहाँ पे डेली बेसिस पे भी देखेंगे तो सेम कैंडल यहाँ पर भी बना, इनसाइड कैंडल है, इनसाइड कैंडल के हाई इनसाइड कैंडल को लो को मार्क कर लेंगे, फिर जिस दिशा में मार्केट मूव करेगा उस दिशा पे ट्रेड लेंगे। तो यहाँ पे इनसाइड कैंडल का हाई आप देखेंगे, जो ये कैंडल है
इसका हाई है, इस फ्राइडे का हाई है 51,411। अगर 51,411 को तोड़ता है, ऊपर निकलता है, तब तेजी होगी। अदरवाइज अगर नीचे की ओर मार्केट फिसल जाता है, 50,787 को तोड़ देता है, तब मार्केट में गिरावट और बढ़ सकती है। तो इनसाइड कैंडल का हाई, इनसाइड कैंडल का लो को कॉन्सेप्ट को याद रखना है। अब यहाँ 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आते हैं, तो 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में चीज़ें और क्लियर दिखेंगी। यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज करते हैं, तो यहाँ पे आपको कुछ लेवल समझ में आएंगे। अब यहाँ जो खड़ा है ये लेवल पे 51,259, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ पे देखिए, ये मल्टीपल टाइम यहाँ सपोर्ट 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 रेजिस्टेंस 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 लिया है, इसलिए 51,260 इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ बन जाता है। इसके ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बना देती है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, इसके हाई को निकाल देती है, तो एक तेजी निकल सकता है। फिर 51,400 मार्केट में देखने को मिल सकता है, और शॉर्ट कवरिंग के चलते 51,800 भी देखने को मिल सकता है। इनके सब नेगेटिव कैंडल बनता है, 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे नेगेटिव कैंडल का लो टूटता है, तो ये गिरावट बढ़ सकती है। फिर ये गिरावट नीचे की ओर 51,200, और अगर 51,200 को तोड़ता है तो मार्केट में पैनिक सेलिंग बढ़ सकता है, और फिर नीचे की ओर फिर अचानक मार्केट आ सकता है, और वो लेवल होगा 50,400 जो शुक्रवार का लो था, तो 50,400 तक आ सकता है अगर पैनिक सेलिंग यहाँ पे अगर सपोर्ट तोड़ देता है तो। इनके सो 150 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन हो जाता है बैंक निफ्टी में, तो आधे घंटे कैंडल के हाई आधे कैंडल के लो को मार्क कर लेना है, फिर जिस दिशा में मार्केट मूव करेगा उस दिशा पे ट्रेड लेना है, अच्छा रिजल्ट बैठ सकता है। पीसीआर में आते हैं, 0.8 पे आ गया है बाइंग के चलते। अब ये थोड़ा देखिए, 0.5 था जब सेलिंग हो रहा था, 0.7 हुआ शुक्रवार को था, अब 0.8 हो गया है, तो ये बढ़ रहा है यानी बाइंग आ रहा है मार्केट में। गिप निफ्टी बता रहा है कि 80 पॉइंट हम ऊपर खुलेंगे, हालांकि गिप निफ्टी बेवफा होती है, इस पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। अमेरिकन मार्केट में देखेंगे, वहां पे थोड़ी तेजी है, इसी का इम्पैक्ट इंडियन मार्केट को भी मिल सकता है। S&P NASDAQ CAC DAX सब में ग्रीन कारोबार हुआ है और ग्रीन में बंद हुआ है। NSE ऑप्शन डाटा में आते हैं, ऑप्शन डाटा में कहाँ पे सबसे ज्यादा सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिख रहा है, यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी में सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग हुआ है, कहाँ पे ये कॉल राइटिंग सबसे ज्यादा दिख रहा है, 2,14,000 कॉन्ट्रैक्ट है, ये 52,000 पे, 52,000 एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। और यहाँ पे पुट राइटिंग सबसे ज्यादा हुआ है 50,400 पे, यानी और इसके ऊपर आ जाइए 50,000 पे पुट राइटिंग सबसे ज्यादा हुआ है 1,61,000, 50,000 एक सपोर्ट और 52,000 एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। अब आते हैं निफ्टी पे, निफ्टी में क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस दिख रहा है, आइए समझते हैं। तो निफ्टी में अगर आप यहाँ देखेंगे सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग कहाँ हुआ, कॉल राइटिंग का मतलब कॉल को लोग बेचे हैं, सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग देखिए सबसे ज्यादा यहाँ पे दिख रहा है 2,30,000 कॉन्ट्रैक्ट, ये है 24,800 पे, तो 2,30,000 कॉन्ट्रैक्ट 24,800 है, 24,800 और 3,33,000 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे खड़ा है देखिए 24,500 पे, तो 24,500 एक रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा। पुट कॉल राइटिंग यहाँ सबसे ज्यादा है, पुट राइटिंग सबसे ज्यादा देखिए 2,96,000 कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ पे 24,000 पे, तो 24,000 एक रेसिस्टेंस की तरह एक सपोर्ट की तरह काम करेगा, 24,500 एक रेसिस्टेंस और सपोर्ट 24,000 के लिए काम करेगा। FII डेली बेच रहे हैं, और इसीलिए देखिए कल के तेजी के में भी FII ने 3,000 करोड़ का माल बेचा है और DII ने मात्र 1,400 करोड़ का माल खरीदा है। तो ये जो शॉर्ट कवरिंग हुई है ये HNI और रिटेल के चलते हुए, ये FII DII लोग कुछ नहीं किए हैं, FII लोग माल बेच ही रहे हैं, 1,00,000 करोड़ का माल ऑलरेडी बेच चुका है, और फिर कल इतना तेज मार्केट में भी 3,228 करोड़ का माल FII ने बेचा है, तो मार्केट का सेंटिमेंट अभी उतना अच्छा हुआ नहीं है, इसलिए ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, संभल के रहने की जरूरत है। कैसा लगा जानकारी, लाइक से सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर बताएं, मिलते हैं किसी और एक वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।